क्या करना होगा मुझे? चार महीनों तक फराज से मोहब्बत करनी होगी। ये क्या बकवास कर रही हो? मेरा मतलब है मोहब्बत की एक्टिंग करनी होगी। जरूरत पड़े तो अब्बा के सामने डट कर ये कहोगे कि मैं फराज से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मर जाऊंगा उसके बगैर। मुझे मंजूर है। सच बोल रहे हो? झूठ बोलने के लिए फोन करता आपको? कौन है ये अफसर? हाँ, मौलवी सुभान अल्लाह का बेटा। वही अफसर है? जी हाँ, ये वही अफसर है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। कि बार बार क्या हो जाता है तुम्हें? पल में तोला, पल में माशा, वजन बराबर रखो अपना। अब्बा की आंखों में नहीं देख सकती, लगता है कोई बड़ी गलती हो गई है मुझसे। मुझे इतना पंगा क्रिएट करने के बजाय अम्मी को कॉन्फिडेंस में लेके बता देना चाहिए था कि मैं मेहताब से शादी नहीं करूंगी, किसी से भी शादी नहीं करूंगी, मुझे लंदन जाके एमफिल करना है। अब क्या हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता? सच बोलकर अब्बा को अफजल वाले गम से तो बचाया जा सकता है। इसके बाद अब्बा जिंदगी भर तुम पर भरोसा नहीं करेंगे, समझेंगे तुम खुला झूठ बोलती हो और मैं तुम्हारे साथ मिलकर झूठी गवाहियां देती हूँ। मेरा क्या कसूर है? मेरा इमेज क्यों खराब कर रही हो? तुम्हें अपने इमेज के पड़ी है, और मैं अब्बा को गम में देख देख कर मरी जा रही हूँ। गम तो खैर हर हाल में होना है, मेहताब को ना करोगी तब भी, अफजल के लिए जिद करोगी तब भी। सुना है बचपन में अब्बा ने तुम्हारे लिए मेहताब को हाँ कह दी थी? वो तो शुक्र करो कि उसके अब्बा मर गए, वरना आज दरवाजे पर खड़े होकर हंगामा खड़ा कर देते। एक एक को पकड़कर बोलते कि इब्राहिम अपने कॉल का पक्का नहीं है। आइडिया, कभी कीचड़ में फिसली हो तुम? हाँ, एक बार। याद नहीं? याद है, याद मत दिलाओ। बस इतना याद रखो, फिसलने वालों के पास आइडियाज नहीं होते। तो फिर डटी रहो? डटना पड़ेगा। मुझे अब्बा की नजरों में गिराने की कोशिश ना करना। अफजल को फोन लगाओ। क्या कहूँ उसे? कहना क्या है, कल की मुलाकात फिक्स करो। हाँ तो तुम कर लो ना फोन, खबरनामे से पहले का कह दो। खबरनामे से पहले तुम मिलोगी तो अब्बा से कब मिलेगा? मैं क्यों मिलूंगी उसको? मिलना पड़ेगा, बैठ के समझाना पड़ेगा कि कल क्या पहनेगा, किस तरह चलेगा, किस तरह बैठेगा, बात कैसे करेगा। और जब अब्बा उसको घूर के देखेंगे, वो कैसे वापस अब्बा को देखेगा? कैसे देखेगा? जैसे कोई तल्ला नहीं करता। तल्ला? तल्ला यानी इल्तिजा, मिन्नत। हाँ तो तुम मिल लो ना उससे, एक एक करके सारी बातें समझा। खुदा के वास्ते फरा, बैठ के बात तो करो उसे, उसे भी तो पता चले जिससे वो मोहब्बत करता है वो इजीली एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल? वरना अब्बा के सामने तुम्हारा नाम सुनते ही हगलाने लगेगा। चलो अब मैं तुम्हें सवाल बता देती हूँ। वो किसी और लड़की से मोहब्बत करता है, वो भी हफ्ते में दो दफा उसको खत लिखती है। बड़ा पुराना इश्क है दोनों का। तो समझने की कोशिश करो फरा, इस तरह के फितरी आशिक से किसी दूसरी लड़की से मोहब्बत की एक्टिंग कराना बहुत मुश्किल काम है। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसमें कौन सी बड़ी बात थी? और वैसे भी जितने पैसे तुम ऑफर कर रही हो ना, इतने में तो कोई भी जरूरतमंद परफॉर्मेंस देने पर तैयार हो जाएगा। मैंने सोचा मेरी फ्रेंड का भाई है, कोई नौकरी नहीं आजकल उसके पास, कुछ पैसे बना लेगा बेचारा। कहाँ मिलना है उससे? उसी रेस्टोरेंट में,
देखना लालच में मरेगा बेचारा। उसकी गर्लफ्रेंड को पता चल गया ना तो देखना क्या हशर करती है उसका। फोन लगाओ। ठहरो, मैं अपना फोन लेके आती हूँ। कल वो आ रहा है मुझसे मिलने। मैं तो साफ कह दूंगी, 5-10 लाख जो लेने हैं लो और जान खुलासी करो। इस तरह की बात मत करना। क्यों, उससे डरती हूं क्या? मैं डरता हूं, वो इस तरह का लड़का नहीं है। आपने तो पता नहीं क्या देख लिया उसमें। कल तक तो मैचों में जुए खेलता था, कभी जीत गया कभी हार गया, पर यहां तो उसकी जीत पक्की है। हां करे, 10 लाख ले और रफू चक्कर हो जाए। ठीक है, अपनी तसल्ली कर लो, फिर जो भी जवाब दे सुन के चुप रहना, जाने मत देना उसे। बदतमीजी करे तो पकड़ कर बिठा लो। बदतमीजी नहीं करेगा, बस उसे कहना मुझसे मिले बगैर मत जाए। हेलो, फरा बोल रही हूँ। हेलो, सुन रहे हो ना? ये तो सुन ही नहीं रहा। सुन रहा हूँ, सीधे बोलो, सुन रहा हूँ। जी, कल हम दोबारा उसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे, दोपहर को 1 बजे। कल अब्बा से मुलाकात है तुम्हारी। नहीं नहीं, पहले अम्मी से मुलाकात होगी। कल हम वहीं से बुटीक जाएंगे और सूट वूट खरीदेंगे तुम्हारे लिए। और गौर से सुनो, अम्मी तुम्हारा नाम सुन के अब्बा से भी ज्यादा गुस्से में है। जरा रिहर्सल कर कर आना, वहां से सीधा हमारे घर जाना है तुम्हें। ओके ओके तो बोलो। नहीं बोल रहा। Are you there? लुबना बोल रही हूँ। पहचान लिया। बात समझ गए ना? कौन सी बात? अभी फरहान ने तुम्हें कल की मुलाकात के बारे में बताया था। वो तो सुन लिया। तो कितने बजे पहुंचोगे तुम? कहाँ? रेस्टोरेंट में। और कहाँ? आप बताओ कितने बजे? 1 बजे, दोपहर को 1 बजे। जाहिर है, रात को 1 बजे कहाँ मिलेंगी? यू डोंट वरी, पहुंच जाऊंगा। और ये भी याद है कल अम्मी से मुलाकात है तुम्हारी? उसके बाद तो किसी से भी मिल लूंगा, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, मैं रखती हूँ फोन। सुनिए। कहिए। वो क्या है कि आपके फोन से पहले फरा का फोन आया था। हेलो कहा, नाम बताया और फोन बंद कर दिया। ओह गॉड। ओह गॉड क्यों कह रही हैं? बस ऐसे ही। बाय द वे, कल वो भी आएंगी? वो ही तो आएंगी, मैं तो उनके साथ आऊंगी। तो कल फिर खाने का बिल मैं दूंगा। क्यों? ऐसे ही बस, बाय द वे। क्या हुआ? अम्मी तो निवाला बनाकर हड़प जाएंगी इसको। या अल्लाह खैर।
हाँ, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था। जी तीरा, ये आज टिफिन क्यों नहीं लेकर गया वो? उसके ऑफिस में ही लंच है आज। अब्बा अच्छा अच्छा, आप अभी तक शक करते हैं उस पर? बाप की पूछताछ को शक नहीं कहते बेटा, एहतियात कहते हैं। ये अंग्रेजी अखबार कौन लाया है? वही लेकर आया, परसों से पढ़ा है इसको। अच्छा, उसे किसी ने अंग्रेजी का ताना दे दिया होगा। अच्छा भाई रुकैया, मैं एक जलसे में जा रहा हूँ, वापसी पे सीधा मस्जिद चला जाऊंगा। अच्छा 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 बेटा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। भाई साहब थे तुम्हारे, किसी जलसे में जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, सियासत से तो दूर का वास्ता नहीं है, और फिर इनका जलसा भी कोई जलसा नहीं होता। जहां 8-10 अकीदतमंद इकट्ठा तकरीर सुन ले, वहां इनका जलसा हो जाता है। तब तक चाह लिया हूँ सर। हाँ चला दो। ओके सर। अच्छा सुनो। जी सर। वो याद है ना? क्या सर? इधर आओ, बिल मैं दूंगा। बिल्कुल याद है सर। ठीक है। ओके सर। क्यों रही हो? आफ्टर शेव नहीं था तो मैंने सोचा क्रीम लगा लूं, पर तुम्हारी नहीं है ये। तुम्हारे पास क्रीम कहां से आई? खरीद कर लाया हूं। कब? तुम तो घर से बाहर गए ही नहीं। कल दफ्तर से वापसी पर ले ली थी मैंने, देखी नहीं होगी तुमने। तुम भी कमाल करते हो, जब खरीदने निकल ही गए थे तो आफ्टर शेव क्यों नहीं लिया? 450 का आता है वो, और ये 120 की। हो गई तसल्ली अब? जी। कब से बैठे हो? 9:30 से। 9:30 से? लेकिन तुम्हें तो कहा था 1 आना। 9 दफ्तर जाना होता है ना, घर वालों को नहीं बताया कि नौकरी छोड़ दी है। क्या खाएंगी?
भूख लग रही है तुम्हें? नहीं तो? कमाल करते हो, मेरी जान पर बनी है और तुम कह रहे हो क्या खाएंगी? सुबह से एक प्याली चाय नहीं पी मैंने, अब तो उसी वक्त खाऊंगी जब मुकाबला जीत कर आओगे। मुकाबला? मुकाबले वाली बात तो बिल्कुल नहीं है, ये तो नहीं बताया था आपने। 5 बजे अम्मी से मुलाकात हो रही है तुम्हारी। वो तो याद है। तो वो एक तरह से मुकाबला ही है। ओ। बहुत कड़वी कसीली बातें करेंगी अम्मी, लेकिन तुम खंदा पेशानी से उसका जवाब दोगे और सुनोगे। खंदा पेशानी को समझते हो ना? बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन आप जरा एक्सप्लेन कर दे तो अच्छा है। वो गाली भी दे तो मुस्कुराते रहना। गाली देगी वो? अरे नहीं, गाली नहीं देंगी, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करेंगी जो गाली की तरह बुरी होगी। डोंट वरी, मैं खंदा पेशानी से सुन लूंगा। क्या लेंगे सर आप? क्या लेने? मतलब खाने में क्या क्या लेंगे सर? तुम्हें खाने की पड़ी है यार। ओके सर। बताओ इससे और क्या कहने? देखो अम्मी के सामने जाओ तो मुलाजमों की तरह पेट पर हाथ ना मारना। ये इस तरह दोनों हाथ पुश्त पर बांध कर चलना। जी ऐसा ही करूंगा। और जब बैठ जाओ तो हाथ हटा लेना। जाहिर है हटा ही लूंगा। और हर बात टू द पॉइंट करनी, मुंह से झूठ निकल भी जाए तो फिर उस पर अड़ जाना। समझी, अड़ गया। अगर किसी बात पे गुस्सा भी है तो गुस्से के एक्सप्रेशन जरूर देना। दे दूंगा। मिसाल के तौर पर अगर वो तुम्हारी हैसियत की बात करें, तुमसे कह दें कि तुम्हारी औकात ही क्या है, फरा से मोहब्बत करने की जुरत कैसे हुई तुम्हारी, तो फिर क्या एक्सप्रेशन दोगे? डोंट वरी, करके दिखाओ। मैं बताती हूँ, तुम चाय की प्याली वापस फ्रिज पर रख देना और खफा होकर बैठ जाना। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन इस हाल में वो चाय पिलाएगी मुझे? अरे चाय तो हमारे यहाँ दुश्मनों को ही पिला देते हैं। आगे फिर आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तुम पर छोड़ सकती तो मैंने नाश्ता ना कर लिया होता। चाय पी लीजिए, इंशाल्लाह मैं मुकाबला जीत कर आऊंगा। वेटर, वो हाफ सेट चाय, तीन सेपरेट चाय लेकर आना। जी इब्राहिम कॉटन का नंबर चाहिए। जी शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, इब्राहिम कॉटन, अकाउंट्स में मिला दीजिए प्लीज। तो सुनकर ही हैरान रह गई, ऐसा बेवकूफ आदमी ऐसी बड़ी बात भी करेगा? तुम जैसे किसी लड़के को फरा से मोहब्बत हो जाएगी तो हम फरा को खिरात की तरह उसकी झोली में डाल देंगे। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। और हाँ एक बात और, वो पूछेंगी फरा तुम्हें खत भी लिखती रही है, तो जम कर कह देना हाँ लिखती रही है। हो सकता है वो ये भी कह दे, चलो दिखाओ उसके खत। तो दिखा दूंगा, सारे खत दिखा दूंगा। सारे? मेरा मतलब है जितने भी कहेंगी दिखा दूंगा। उफ खुदा के बंदे, अपनी महबूबा के खत कभी उसके माँ बाप को नहीं दिखाते। ओ, I'm sorry. तो फिर क्या जवाब दोगे? कहूंगा दिल की सारी बातें दिल वालों के पास अमानत होती, अमानत में खयानत नहीं कर सकता।
ठीक कहा मैंने? अरे क्या बात करते हो, ये जवाब सुनकर तो अम्मी की सिट्टी को हो जाएगी, दोबारा खतों के बारे में बात भी नहीं करेंगी। सेल फोन कौन सा है तुम्हारे पास? नहीं, वो मैं जेब में ही रखता हूँ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? सूट पहनकर बैठोगे और सेल फोन ट्राउजर की जेब में रखोगे? वो सामने रखने वाला नहीं है, सस्ता है बहुत। बज रहा है। एक्सक्यूज मी, आरिफा का फोन है, वो ब्रेक के वक्त फोन करके पूछती है कि खाना खा लिया। हाँ आरिफा, कहाँ हो तुम? ऑफिस में। और कहाँ? झूठ बोल रहे हो ना? झूठ नहीं, वो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ। तुम्हें बताया तो था कि आज ऑफिस की तरफ से लंच है, तो इस वक्त मैं यहाँ रेस्टोरेंट में बैठा हूँ ऑफिस के लोगों के साथ। अच्छा, वापस कितने बजे आओगे? जितने बजे आता हूँ। नहीं नहीं, आज शाम देर से आऊँगा, वो बॉस के साथ मीटिंग है मेरी, बड़ी वाली लंबी वाली मीटिंग। अच्छा ओके, रखता हूँ फोन, बिजी हो ना इसलिए। थैंक यू। पता नहीं क्या बात है, अब्बा से झूठ बोलता हूँ तो डर नहीं लगता, आरिफा से झूठ बोलता हूँ तो डर लगता है। तुम ये समझ रही हो ना कि तुम्हारी कसम खाकर मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मैं बुरा नहीं हूं, सबसे बुरा हूं मैं। मैंने कहा था उसे बुला कर लाओ। दो मिनट में आ रहा है, जरा डर रहा है। ताज्जुब है, मैं उससे डर रहा हूं? मुझसे डर रहा है? लगता है बारिश होने वाली है। बारिश तो होगी, आसमानों पर महताब की आंखें कड़क रही हैं और उसके मरहूम अब्बा की बदुआएं गरज रही हैं। शट अप, ट्राई रूम का दरवाजा खटखटाओ। 20 मिनट हो चुके हैं। हाय, सूट पहना होगा तो खुद पर प्यार आ गया होगा उसे। आने दो, पता नहीं 5 बजे के बाद कैसा लगेगा। हाँ ये ठीक, पहन के रखो, मैं बिल देकर जा रही हूँ, पूरे 5 बजे पहुंच जाना। दो कितने बजे आएगा वो? 5 बजे।
पांच बजे का मतलब पूरे पांच बजे, और उसे बता दिया था कि उसकी पहली मुलाकात किससे होगी। जी बता दिया। ठीक है जाओ, और हाँ याद रखना जब तक मुलाकात खत्म ना हो तुम में से कोई भी नीचे ना उतरे। हाजरा हाजरा, जी बेगम साहब। हाँ चाय के साथ कुछ खाने पीने के लिए भी रख देना। जी अच्छा। सलाम अलैकुम अब्बा। वालेकुम सलाम, खुदा की पनाह। पहले तो बारिश को तरस जाते थे और अब हफ्ते में दो दो बार, अल्लाह अकबर। ओह तौबा तौबा इस्तगफार। ओहो या अल्लाह اللهم صل على سيدنا محمد। वहां कहां है तुम्हारी? वो छत से कपड़े उतारने गई। अच्छा यो हो, ये लो, ये तो बिल्कुल ही भीग गया है। चाय पिला दो तो रुकैया की सारी बेवकूफियां माफ कर दूंगा। अब्बा वो लुबना के अब्बा आजकल फजर पढ़ने आते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब से ये दफ्तर जाने लगा है उन्होंने मस्जिद में पैर नहीं रखा। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? क्या लुबना से बात हुई थी? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? इसीलिए तो पूछ रही थी, लुबना को फोन करूंगी ना तो उनकी तबीयत भी पूछ लूंगी। ओ भाई नीचे आ जाओ, मैं आ गया हूं। कहीं भीग ना जाए कमबख्त। जी साहब, पहले ये बताएं मैं रिक्शा में बैठकर भीग तो नहीं जाऊंगा? नहीं साहब, अगर बीच में बैठेंगे तो नहीं भीगेंगे। आ जाए आ जाए। आपने जाना कहाँ है? मोहल्ला नक्शबंदी। अच्छा जी। तुम डर रही हो ना? पांच बजने का इंतजार कर रही हूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है फरा। डरो मत, वो जमकर मुकाबला करेगा। तुम्हें यकीन भी आ गया उस पर? आज मिली हूँ तो यकीन आ गया। वैसे तो बात बार पर झक मार रहा था लेकिन एक बात लड़ गई मुझे। वो जो उसने कहा था, दिल की सारी बातें दिलवालों के पास अमानत है, तो सुनकर ही हैरान रह गई। ऐसा बेवकूफ आदमी ऐसी बड़ी बात भी करेगा, तो मैंने सोचा भी नहीं था। भाई यही रोकते हैं, यही रोकते हैं। कितने पैसे हो गए? साहब 300 रुपए दे दे। 300 रुपए ज्यादा नहीं है? अरे साहब इतना अच्छा सूट पहनकर आप इतनी छोटी बात करते हुए अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, ये लो निकलो यहाँ से। आ गया। रुको, कहाँ जा रही हूँ? बाहर कोई आया है, लुबना बीबी ने कहा था कि 5 बजे कोई आएगा। अच्छा ठीक है, सुनो पहले सिर्फ नाम पूछना, अंदर मत ले आना। जी जा।
जी मैं अफजल। जरा रुकिए। अफजल ने बेगम साहिबा, वो अपने मौलवी साहब है ना, उनका बेटा। अच्छा, भीग तो नहीं रहा? आधा भीग गया है। बारिश भी तो देखो कैसे जोरों से हो रही है। तौबा। ड्राइवर कहाँ है? अपने क्वार्टर में, उसे बुलाऊं? नहीं नहीं। तो तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ अंदर बुलाओ उसे और लाकर ड्राइंग रूम में बिठाओ। जाओ। क्या बात है? वो मौलवी साहब का बेटा आया है। आया है तो तुम हैरत से मर क्यों रही हो? मैं तो ये बताने आई हूँ कि उसके हालात अच्छे नहीं है। हाँ वो तो मालूम है, लेकिन तुम दूसरों के बारे में मत सोचो, हालात तो तुम्हारे भी अच्छे नहीं है। आप मेरी बात समझ नहीं रही। तो फटाफट समझाओ। बाहर देखिए कितनी बारिश हो रही है। ये समझाने आई थी? वो भीग गए है बिल्कुल। और अगर मैं वक्त पे दरवाजा खोल देती तो वो इस तरह पानी में निचड़ नहीं रहा होता। तो वक्त पे दरवाजा क्यों नहीं खोला? आपकी अम्मी ने मना कर दिया था। क्या? जाते हुए रोक दिया मुझे, बारिश और बिजली के बारे में बातें करने लगी। फिर बारिश बरसती गई और वो भीगता गया। और जब हुक्म दिया कि अंदर बुला लो, तब तक सूट बूट सब भीग चुके थे। चलता था तो जूतों से पानी की छींटे निकलते थे। तौलिया चाहिए? नहीं। सर्दी तो नहीं लग रही? लग तो रही है, लेकिन चाय नहीं पीऊंगा। वो मैं फरा की अम्मी से मिलने आया था, 5 बजे का टाइम था, 5:30 हो गए हैं। वो आ रही है। थैंक यू। आइए आप अंदर आ जाएं। तुमसे कहा था कि मुलाकात खत्म होने से पहले कोई नीचे नहीं उतरेगा। लेकिन मुलाकात शुरू क्यों नहीं हो रही अम्मी? 6 बज रहे हैं। वो बारिश में भीग कर आया है, मैंने सोचा अब चाय वाय पीकर थोड़ा खुद को सेटल डाउन कर ले। वो सेटल डाउन कर चुका है, आप प्लीज मुलाकात शुरू कीजिए। तुम दोनों जाओ। पर जाओ। ये किसके लिए बना रही हैं आप? आपके लिए। मत बनाइए, मैं चाय नहीं पीऊंगी।
बैठे तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है गेट खुलने में जरा देर हो गई और तुम भीग गए। बारिश भी तो बहुत जोरों की हुई है आज, और बिजली तो देखो कैसे कड़क रही थी। जी हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि बिजली कड़क रही हो तो काला सूट पहनकर बाहर नहीं निकलते। मैं तो इस कड़कने में 10 मिनट तक खड़ा रहा दरवाजे पर, लेकिन कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम्हें कभी कुछ हुआ नहीं, इसलिए तुम डरते नहीं हो। जी तुमने चाय नहीं पी? नहीं, चाय की जरूरत नहीं रही। कप कपा रहे हो तो पी लो एक कप। जी नहीं, कप कपा तो इसलिए रहा हूँ कि थोड़ा डर रहा हूँ। मुझसे डर रहे हो? जिनका बहुत अदब करता हूँ उनसे बहुत डरता हूँ। अब्बा के सामने भी डर जाता हूँ। काम क्या करते थे? पहले आपकी फैक्ट्री में क्लर्क था, 2 दिन बाद वो नौकरी छोड़ दी मैंने। पता है मुझे, और वजह भी मालूम। आजकल क्या कर रहे हो? एक नए प्रोजेक्ट में 2 लाख की नौकरी मिल गई है, 4 महीने वहीं काम करूंगा। 4 महीने क्यों? और फिर ये कौन बेवकूफ है जो तुम जैसे 3rd Division BA को 2 लाख की नौकरी दे रहा है? अब्बा कहते हैं दोस्ती और ताल्लुक बनाने के लिए हमेशा किसी अकलमंद को ढूंढो। अकलमंद को अगर ढूंढना पड़ता है तो मतलब ये हुआ कि दुनिया में बेवकूफ ज्यादा है। अरे 4 महीनों वाली बात तो बदकिस्मती से वो प्रोजेक्ट ही 4 महीनों का है, दिसंबर में खत्म हो जाएगा। कितनी मोहब्बत करते हो उससे? ये अच्छा सवाल किया आपने। अच्छा सवाल है तो फिर इसका जवाब भी दे दो। आप कितनी मोहब्बत करती हैं उससे? मैं माँ हूँ उसकी, और माँ की मोहब्बत को कौन नहीं जानता। मेरी मोहब्बत को भी कोई नहीं जानता। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे किसी लड़के को फरा से मोहब्बत हो जाएगी तो हम फरा को खैरात की तरह उसकी झोली में डाल देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या सोचकर आए हो यहाँ? सोचा तो कुछ भी नहीं, बस फरा ने कहा आपने बुलाया है तो मैं आ गया। लेकिन अब आ गया हूं तो पूरी बात करके ही जाऊंगा। क्या है पूरी बात? I'm sorry. हाँ तो क्या है पूरी बात? मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरी औकात नहीं है कि मैं फरा से मोहब्बत करूं, लेकिन फरा से मोहब्बत करने का हक है मुझे। अच्छा ये हक किसने दिया तुम्हें? नहीं ये हक कोई देता नहीं है और ना ही कोई मांगता है, वरना तो मोहब्बत करने से पहले इजाजत लेनी पड़े, इतना तो सब उलट पुलट हो जाएगा। क्या उलट पुलट हो जाएगा? यही कि जिससे मोहब्बत हो जाए उससे जाकर पहले इजाजत लो, अपनी औकात बताओ और फिर पूछो कि कर लूं मोहब्बत। सिर्फ मोहब्बत करने का क्या लोगे? ये भी अच्छा सवाल है। तुमसे कुछ पूछा है मैंने? कितने पैसे लोगे और जान छोड़ दोगे उसकी? क्या है कि अब्बा से कसम खाकर वादा किया है कि अब जुआ नहीं खेलूंगा। मैं जुए की बात नहीं कर रही हूँ। बात तो आप जुए की कर रही हैं, लेकिन आप जुए को समझती नहीं है। वो मेरा दोस्त है ना बबलू, वो कहता है कि मैच जीत जाओ और पैसे ले लो, और आप कह रही हैं कि मैच हार जाओ और पैसे ले लो। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। अभी के अभी जाओ और अम्मी से कह दो कि तुम झूठ बोल रही थी, और ये भी कह दो कि मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर झूठ बोल रही थी। बता दो उन्हें कि मोहब्बत नहीं है तुम्हें अफजल से, ना ही वो तुमसे मोहब्बत करता है। कहाँ से आए हो रात के 9:30 बजे? सुभान अल्लाह मौलवी साहब, जरा दम तो ले लेने दीजिए उसे। ले लो,
जम के ले लो दम, उसके बाद बता देना कि कहां से आए हो।